स्वामी दीपांकर जी, क्योंकि बात जब राजनीतिक पार्टियों की हो रही है तो मुझे शंकराचार्यों के बयान पर भी जिक्र हमें लगता है करना चाहिए, क्योंकि चारों शंकराचार्यों में से अगर हम अभी मुक्तेश्वरानंद की बात करें, निश्चलानंद की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। हम क्या वहां पर पीछे खड़े होने के लिए, ताली बजाने के लिए हैं? ये शंकराचार्यों की तरफ से बयान सामने आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं कि हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, हम लोगों को पथ प्रशस्त करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। वर्तमान की स्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य हम लोगों के यहां बहुत बड़ा स्थान है। सहज सम्मान मैं मात्र इतना कहूंगा जैसा वो उचित समझे, मैं उन पर एक शब्द कहना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे बड़े हैं और बड़ों पर कभी कोई शब्द नहीं कहा जाता। मगर हां, इतना जरूर कहूंगा कि आज भारत राम मोड में चल रहा है। तो जिस तरह से वर्तमान चर्चा आपने पॉलिटिकल कहा, तो कहूंगा कि हल्के बयानों से हर किसी को बचना चाहिए, क्योंकि वर्तमान लोग डायरी लेकर नहीं बैठे हैं, हृदय में अंकित कर रहे हैं। और अभी कुछ समय बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव होगा, उस महोत्सव में आप क्या कहिएगा कि आपने जिसको आराध्य माना हमने उसी का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। मगर मैं फिर भी राजनीतिक मोड़ से निकल करके आध्यात्मिक में आता हूं, मुझे दो शब्द प्यारे लगे। अभी जब रास्ते में आए तो मनोज भाई साथ थे, मनोज तिवारी, उनका दो प्यारा पंक्ति था, वो आपके साथ शेयर करता हूं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा हमारा देश हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक चर्चा कर मुझे लगता है कि विघ्न संतोषी हैं, किसी चीज में ना बोले तो फिर आनंद कैसे आएगा। तो हर किसी को टीका ना चाहिए होता है काला, तो ठीक है जो बोल रहा है बोलने दीजिए, मगर बड़ी बात आप कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो पार्टियां निमंत्रण से आमंत्रण से किनारा कर रही हैं, 2024 में उन्हें जवाब जरूर मिलेगा। मैं समझता हूं कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये प्रति एक शायद मैं समझता हूं कि जितने भी भाई बंधु यहां बैठते हैं या बैठे हुए हैं, इस संदर्भ इस संवाद का हिस्सा है। कोई ऐसा शायद होगा जो राम के विरुद्ध बोले गए शब्दों को स्वीकार करे? क्या कोई कर सकता है भारत में राम के विरुद्ध बोले गए शब्द? कोई एक शब्द स्वीकार नहीं करेगा। और आप निमंत्रण अस्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, निमंत्रण किसका? भगवान का। भगवान का निमंत्रण कोई अस्वीकार करता है? बिल्कुल। तो कभी कभी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी बहुत विलंब कर देती है, बहुत विलंब कर देती है। तो हर किसी को हल्की बात करनी चाहिए, हल्की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अब